यकीनन आपने जोधा और अकबर के प्रेम कहानी के किस्से सुने होंगे। इन्हीं जोधा बाई का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है, जो न जाने कितने रहस्यों को खुद में समेटे हुए खामोश खड़ा है। वैसे तो मुगल साम्राज्य में कई हिंदू रानियां रहीं, लेकिन महारानी जोधा बाई का रुतबा सबसे अलग रहा। शहंशाह अकबर ने जोधा बाई को मल्लिकाए हिंदुस्तानी की उपाधि देकर उन्हें नवाजा था, इसलिए अकबर की बाकी सभी रानियों में उनका नाम सबसे पहले अदब से लिया जाता है। राजस्थान की एक छोटी सी रियासत आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई का जन्म सन 1542 में हुआ था, और 20 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद जोधाबाई का विवाह सम्राट अकबर से कर दिया गया था। अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम बेऔलाद थी, और उनकी दूसरी पत्नी सलीमा बेगम को भी कोई बच्चा नहीं हो सका था। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य के वारिस के लिए परेशान थे। उनकी इस परेशानी को दूर किया रानी जोधाबाई ने, एक बच्चे को जन्म देकर। इस तरह अकबर को उनके विशाल मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला और अपना वारिस मिल गया, जिसके बाद जोधाबाई को मरियम उज़्ज़मानी के खिताब से नवाजा गया। मरियम उज़्ज़मानी का मतलब होता है मेरी आप द रोज। सन 1562 से लेकर 1605 तक, यानी कि एक लंबे समय 43 साल तक रानी बने रहने वाली जोधाबाई मुगल साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक हिंदू रानी रही थी। बादशाह अकबर की पत्नी रहते हुए भी उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं बदला था, वही मृत्यु तक हिंदू राजपूत ही बनी रही थी। साल 1623 में आगरा में जोधाबाई की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे जहांगीर ने इस्लाम धर्म के मुताबिक यहीं आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में उनको दफन किया और एक खूबसूरत मकबरे का निर्माण करवाया। सन 1623 से 1627 के बीच में अपनी माँ की याद में जहांगीर ने इस मकबरे को बनवाया था, जिसको आज बोला जाता है टॉम्ब ऑफ मरियम उज़्ज़मानी या मरियम का मकबरा। यह मकबरा बादशाह अकबर के मकबरे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मरियम उज़्ज़मानी का मकबरा मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसे जोधाबाई की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, और यह आगरा के सिकंदरा में स्थित है। रानी जोधाबाई अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता की वजह से बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा रानी हुआ करती थी। बादशाह अकबर उन्हें जोधाबाई के अलावा हीर कुंवारी, हरखाबाई और शाही बेगम के नाम से पुकारा करते थे। हालांकि कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं और कहते हैं कि अकबर की किसी रानी का नाम जोधाबाई नहीं था। वास्तव में कुछ चापलूस इतिहासकारों के दिमाग की उपज है हिंदू रानी जोधाबाई। हरखाबाई एक मुस्लिम ही थी, जिन्हें ही जोधाबाई कहकर जोधा अकबर के प्रेम कहानी को गढ़ा गया और राजपूतों को नीचा दिखाया गया। फिलहाल आपकी खुद की क्या राय है इस संबंध में, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे अब आपको दिखाते हैं मकबरे की बनावट और वास्तुकला। ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये कभी बरादरी हुआ करता था। सन 1623 में मुगलों ने इस बरादरी को तोड़वा कर एक नई इमारत का निर्माण कराया और इसको मकबरे के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसकी दीवारों पर आपको खूबसूरत नक्काशी और तरह तरह की डिजाइनें देखने को मिल जाएंगी। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने यहाँ 40 कमरे बनवाए थे, जिनमें आपको दीवारों पर फीकी पड़ती हुई सुंदर पेंटिंग्स दिखाई देंगे। इससे यह पता लगता है कि लोदियों के शासन काल में भी वास्तुकला और भवन निर्माण शैली काफी उत्कृष्ट थी। जहांगीर ने इसके बीचों बीच बाग में एक तहखाना भी बनवाया था। यहीं दफन है जोधाबाई। चौकोर आकार में बना यह मकबरा एक बगीचे के मध्य बना हुआ है। इस मकबरे को ईंट और लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। पूरे इमारत की ऊपरी संरचना पूरी तरह से मुगल वास्तुकला पर आधारित है। ऊपर छतरियों के गुंबद सफेद रंग के हैं, और इन गुंबदों के ऊपर आपको उल्टा कमल देखने को मिल जाएगा, जो कि छतरियों की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जहांगीर को जोधाबाई ने जन्म दिया था, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है,
असलियत में उतना ही कठिन था, क्योंकि अकबर को बाकी दो पत्नियों से औलाद न होने के कारण बादशाह अकबर बहुत ही निराश रहते थे। 6 फरवरी 1562 को बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी एक राजनीतिक समझौते के तौर पर हुई थी। फिर भी दोनों के बीच में कुछ ही दिनों में काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गईं। जोधाबाई के पिता के कहने पर अकबर ने जोधाबाई को कभी इस्लाम स्वीकारने पर विवश नहीं किया और उन्हें हमेशा हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ करने की खुली छूट दे दी। यही नहीं बल्कि कई बार अकबर भी जोधाबाई के साथ पूजा पाठ में भाग लिया करते थे। जोधाबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्त थीं और उनकी खुशी के लिए बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में उनके महल में एक मंदिर का निर्माण भी कराया था और उनके लिए एक रसोई घर बनवाया था जिसमें वो अपने हाथों से शाकाहारी खाना बनाती थीं। 19 अक्टूबर 1564 को दो जुड़वा बेटे हुए जिनका नाम रखा गया मिर्जा हसन और मिर्जा हुसैन। लेकिन 10-15 दिनों के अंदर ही दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से अकबर बहुत उदास रहने लगे। बादशाह अकबर कई बार अजमेर शरीफ में दुआ मांगने गए लेकिन उनकी झोली खाली ही रही। फिर एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि सीकरी गांव में एक बहुत ही मशहूर संत रहते हैं जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती। कहा जाता है कि बाबा के यहाँ से हर फरियादी खुश होकर जाता है। इसी वजह से अकबर भी बाबा के पास नंगे पांव आगरा किले से पैदल ही सीकरी पहुँचे और फिर कुछ दिनों बाद ही अकबर को रानी जोधाबाई से 30 अगस्त 1569 के दिन एक बेटा हुआ जिसको बाबा ने अपना नाम दिया सलीम। यही बाद में जहांगीर के नाम से जाने गए। सलीम के जन्म की खबर मिलते ही बादशाह ने सीकरी गांव पहुंचकर जोधाबाई को 1,00,000 स्वर्ण सिक्कों की कीमत के आभूषण उपहार में दिए और अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उनके सर पर मुगल राजवंशी मुकुट भी पहनाया और जोधाबाई को मरियम उज जमानी का खिताब दिया और इसी वजह से इस मकबरे को कहा जाता है मरियम उज जमानी का मकबरा। तो जोधाबाई अकबर की सबसे चहेती रानी बन चुकी थी और मरते दम तक अकबर जोधा को ऐसे ही चाहते रहे और शायद इसी वजह से एक दूसरे की कब्रें केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। तहखाने के सबसे नीचे भाग में दिख रही ये कब्र जोधाबाई की है, इसे आप देख सकते हैं। इस मकबरे की सबसे खास बात यह है कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ से एक जैसा ही दिखता है, यानी कि यह मुगल काल की बाकी इमारतों से थोड़ा अलग है। यहाँ पीछे और आगे दोनों तरफ से एंट्री की जा सकती है। तो यह था मरियम उज जमानी यानी रानी जोधाबाई का मकबरा। यहीं से कुछ दूरी पर बादशाह अकबर का मकबरा भी बना हुआ है जिसे अकबर ने अपने जीवित रहते ही बनवाना शुरू कर दिया था। इस मकबरे को भी जहांगीर ने पूरा करवाया था। इस मकबरे में भी आपको बहुत ही सुंदर कलाकारी देखने को मिल जाएगी। बादशाह अकबर ने रानी जोधाबाई के लिए 4 जगहों पर भव्य महलों का निर्माण कराया था जिनमें मांडू, इलाहाबाद, आगरा और फतेहपुर सीकरी के किले शामिल हैं। वैसे तो आगरा किले में जहांगीरी महल को जोधाबाई का निवास माना जाता है जिसमें उनके लिए एक पर्सनल गार्डन भी बनाया गया था, लेकिन राजस्थानी वास्तुकला से प्रेरित फतेहपुर सीकरी का महल उनका सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत और सबसे खास महल माना जाता है। इसलिए अगर आप आगरा घूमने आते हैं तो सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी जरूर जाएं। फतेहपुर सीकरी में रानी जोधाबाई के रहने के लिए सर्दी और गर्मी के लिए अलग अलग महल हैं और इसी के पास एक मंदिर भी है जिसे आप आज भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी फतेहपुर सीकरी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जय हिंद।